समीना शोएब मेमन, कॉरपोरेटर सेकेंड टर्म। मेरा ये सेकेंड टर्म है एज अ कॉरपोरेटर, और मैंने मौला बाबा एजुकेशनल फाउंडेशन की मैं चेयरपर्सन भी हूँ, जहाँ मैंने अभी तक 7 to 8,000 लड़कियों को अलग अलग टाइप के प्रशिक्षण दी हूँ। जो मैं मेरा एक ही मकसद है कि वहाँ पर औरतें और लड़कियाँ जो है अपने पैर पर खड़ी हो। और अभी मेरा सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि ट्रेनिंग के बाद ट्रेडिंग की तरफ औरतों को लेके जाऊँ। इसके लिए मैंने पहला स्टेप उठाई थी कि औरतों का एग्जीबिशन लगवा के दी थी, जहाँ मैंने 25 to 30 स्टॉल्स उनको लगवा के दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमारे इधर की औरतों ने खुद ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स और खुद की स्टॉल, और फॉर द वुमन बाय द वुमन ऐसा था। और यही आगे मैं करते रहूँगी, और इससे ज़्यादा मेरे को आगे ये करना है कि आने वाली अपनी बच्चियाँ जो है या जो औरतें हैं, तो उनको एक सेल्फ डिफेंस और जो अधिकार उनके लिए है तो वो उनको पता नहीं है, वो उन तक पहुंचाना, ये मेरा आगे टारगेट रहेगा। और ये तो मेरा सोशल वर्क हुआ, और दूसरा मैं पॉलिटिकली जो भी प्रभाग के डेवलपमेंट है उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट रहती हूँ। आज अब हमारा प्रभाग जाके देख सकते हो, अच्छे से अच्छे रास्ते का काम हो चुका है, पानी घर घर पहुंच चुका है, हॉस्पिटल की मुल्तानपुर हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहाँ पे काफ़ी अच्छी बन चुकी है, और लड़कियों के लिए 1 करोड़ का एक मैंने डिजिटल लाइब्रेरी वो भी बनाई हूँ, घास बाजार में है, जिसका ओपनिंग बाकी है अभी। लेकिन ये तो सब मैं काम करते ही रहती हूँ। साथ में अम्बेडकर गार्डन का अभी उसका भी रिनोवेशन चालू हो जाएगा, तो जो भी प्रभाग का काम है हमारा वेल डेवलप्ड प्रभाग भी आपको नज़र आएगा जल्दी ही। तो ये सब हमारे काम की पावती है। और जिस तरह से मैं एक प्रभाग में सोशल वर्कर और नगर सेवक का बोल के काम करती हूँ, वैसे ही पार्टी में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट रहती हूँ। हर चीज़ में मैं अपना बराबर रोल जो मेरे को दिया गया है वो मैं निभाती हूँ, चाहे महासभा हो, अपने प्रभाग के लिए अपनी औरतों के लिए आवाज़ उठाना हो, तो मैं मेरी तरह से पूरा काम करते रहती हूँ।